पे मुझे तो मेरे भाई के लिए एकदम सीधी सादी लड़की चाहिए थी, जो हम बहन भाइयों के बीच में जुदाइयां ना पैदा करे, लड़ाइयां ना कराए, मेरे भाई का ख्याल रखे और खिदमत करे। जी वो तो मेरी फौजिया करेगी, आपको कोई शिकायत नहीं होगी इससे। अला अभी तो बहुत जल्दी है, अभी क्या कह सकते हैं। वैसे मुझे तो सीधी लड़कियां पसंद हैं, लेकिन आजकल के लड़कों का कुछ जरा डिफरेंट स्टाइल है। उनको फर फर अंग्रेजी बोलने वाली लड़कियां चाहिए, स्मार्ट कपड़े पहने अजीबोगरीब, लेकिन वो भूल जाते हैं कि ऐसी लड़कियां घर नहीं बनाती। लेकिन मेरा भाई बहुत समझदार है, उसको पता है मेरी दी जो भी मेरे लिए फैसला करेंगी एकदम ठीक होगा। आज अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम जी। आए ना आप हमारे साथ नाश्ता करें। नहीं जी, मुझे एक जरूरी काम है ऑफिस में। जाओ, लेकिन आप लोग कुछ खा नहीं रहे? ले। नहीं नहीं है मेरे पास। आइए। हेलो हेलो आज़र, क्या हाल है यार? ठीक हो यार? यार आज बॉस बहुत गुस्से में है। क्या हुआ यार? वो टीम लीडर की पोजीशन को रिफिल करने के लिए कोई सूटेबल बंदा ही नहीं मिल रहा, और ऊपर से कुछ ऑफिसर से जो है अनइन्फॉर्म्ड लीव लेता है, आज उनको डेफिनेटली वार्निंग मिलेगी। और जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है ना, बॉस को ऊपर से बहुत प्रेशर है यार। बॉस रूम में अकेले हैं, कोई है साथ में? नहीं बस कुछ ऑफिसर्स आए हैं। खैर तुम बताओ, तुम्हारी कोई निम्रा मैडम से मुलाकात हुई? यार वो जैसे ऑफिस से गई, ऑफिस की रौनक ही चली गई हो। मेरा मतलब है, रोक तो वो डालती थी, लेकिन उनकी मौजूदगी में कंपनी ने बहुत प्रोग्रेस की। लेकिन तुम बॉस की फिक्र मत करो, तुम तो हालत से बीमार लग रहे हो। यू जस्ट रिलैक्स, बॉस तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, जस्ट रिलैक्स।